महागठबंधन में तेजस्वी जी वोट लेने के लिए चुनाव से पहले क्या कहे थे? चुनाव से पहले वादा किए कि 10 लाख नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट से आज तक उनका 10 लाख नौकरी नहीं मिला। और शिक्षकों को आतंकित करने के लिए पूरे बिहार में जो लाठीचार्ज करवाने का काम कर रहे हैं, उनको अरेस्टिंग करवाने का काम कर रहे हैं, कौन नियम से करवा रहे हैं? लोकतंत्र में ऐसा कौन सा अधिकार आपको मिला हुआ है जिससे कि रात में 1:30 बजे जाके आप बेटा के आनंद मिश्रा को गिरफ्तार कर ली, भोर में जाकर अरेस्टिंग करें सिमरन पाल जी को, आप गुरुदयाल जी को अरेस्टिंग कर रहे हैं? छठ की मांग को मानिए, आपने संस्कृत बोर्ड में जो है 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, जो आपने पिछला बहाली किया उसमें 13,000 लोग फार्म भरे, 421 लोगों का उसमें जो है नियुक्ति के पत्र बांटे, 369 लोग उसमें जो है हाई स्कूल के लोग जो है उसमें उन जिनको नौकरी मिला प्रिंसिपल के रूप में, उसका आपने 8 महीने से वेतन नहीं दिया। तो आप एक तरह से नियुक्ति करके भी वेतन नहीं देते हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं? आप शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं पूरे बिहार में, ये बर्बादी नहीं चलेगी। वह लगातार जो आप इस तरह का हमला कर रहे हैं, ये लोकतंत्र पर हमला है और इस तरह का हमला नहीं चलेगा। आपको सारे नियोजित जो भी शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा देने का आपने पहले भी वादा कर चुके हैं, उनको हर हाल में इसी हाउस में घोषणा करना पड़ेगा कि हम सभी नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, और नहीं यदि दीजिएगा और इस तरह का अलोकतांत्रिक काम कीजिएगा तो हाउस हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार में लगातार शिक्षक जो हैं धरना दे रहे हैं और गर्दनी बाग में आज बहुत बड़ी संख्या में जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी धरना दे रहे हैं, जिसका कारण है कि राज्य सरकार उसको अस्थायीकरण करे। इसके साथ साथ राज्यकर्मी का जो दर्जा है उनकी भी मांग शिक्षक कर रहे हैं। और कई ऐसे जगह हैं, हमारे साथ जीवन जी हैं भाजपा के विधान परिषद हैं, और कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको कि पटना आने से रोका गया है। देखिए, हमारे एक तो शिक्षकों के साथ इनका पता नहीं कौन सा राज्य सरकार का जो है विरोध है, कौन ये शिक्षक विरोधी सरकार है। महागठबंधन में तेजस्वी जी वोट लेने के लिए चुनाव से पहले क्या कहे थे? चुनाव से पहले वादा किए कि 10 लाख नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट से आज तक उनका 10 लाख नौकरी नहीं मिला। तो ये तो झूठ बोलकर मतलब सरकार में रहकर अभी जो है लगातार जो है जनता को भ्रमित कर चाहते हैं कि सरकार चलाएं, और शिक्षकों को आतंकित करने के लिए पूरे बिहार में जो लाठीचार्ज करवाने का काम कर रहे हैं, उनको अरेस्टिंग करवाने का काम कर रहे हैं, कौन नियम से करवा रहे हैं? लोकतंत्र में ऐसा कौन सा अधिकार आपको मिला हुआ है जिससे कि रात में 1:30 बजे जाके आप बेटा के आनंद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिए? कौन सा ऐसा आपको संविधान का ताकत मिला हुआ जिससे कि भोर में जाकर अरेस्टिंग करें सिमरन पाल जी को, आप गुरुदयाल जी को अरेस्टिंग कर रहे हैं, आप हमारे आनंद कौशल जी को अरेस्टिंग कर रहे हैं? तो ये कई शिक्षक मित्र हमारे पूरे बिहार से यहाँ आ रहे थे, उनको अरेस्टिंग करने का जो काम कर रहे हैं, लगातार जो आप इस तरह का हमला कर रहे हैं, ये लोकतंत्र पर हमला है और इस तरह का हमला नहीं चलेगा। आपको सारे नियोजित जो भी शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा देने का आपने पहले भी वादा कर चुके हैं, उनको हर हाल में इसी हाउस में घोषणा करना पड़ेगा कि हम सभी नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, और नहीं यदि दीजिएगा और इस तरह का अलोकतांत्रिक काम कीजिएगा तो हाउस हम लोग नहीं चलने देंगे, जान लीजिए। 13 तारीख का भी जो है आप लोगों का प्लान है, तो उस दौरान आप लोगों की क्या? हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि 13 तारीख का जो हम लोग विधानसभा घेराव करने की बात किए हैं, तो आप उसके पहले घोषणा कर दीजिए तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। फिर आपने अब बताइए कि इतना भ्रष्टाचारी अगवानी पुल का आपने देखा ही किस तरह से गिर गया, अभी आंधी आया गिर गया, तो ये कौन सा मतलब कि सरकार चला रहे हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर का, हम कल गए थे नालंदा में, माननीय मुख्यमंत्री नालंदा के हैं, नालंदा में कल गए थे, एक व्यक्ति को मतलब कि हत्या किया गया शराब माफियाओं के द्वारा, उसका गला काटा गया, उसके बाद उसका हाथ काटा गया, उसका पैर काटा गया, उसका शरीर के कई टुकड़े किए गए मतलब कि ये कटार से। ये कौन सा मतलब आप सरकार चला रहे हैं कि शराब माफियाओं को सुरक्षा देने के नाम पर उनको इस तरह का छूट दिए हुए हैं? भाकपा माले के भी विधायक जो हैं शिक्षकों के साथ हैं, क्या लगता है कि शिक्षक आपके? देखिए, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर हम चुनाव जीते हैं और हर हाल में हम शिक्षकों की आवाज़ को जायज मांग को उठाते रहेंगे, और यदि शिक्षकों की मांग को सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को हमेशा हम जो इस बात को कहने का काम करेंगे और हाउस को बताने का काम करेंगे कि आपको हर हाल में शिक्षकों के मुद्दे को मानना होगा, जायज मांग को मानना होगा, उसे आप दूर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने वादा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ही वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, एक 10 लाख, एक 20 लाख। और ये डोमिसाइल कौन सा नियम लाए हैं कि बिहार में आप कह रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से खोज के आदमी लाना चाहते हैं? अरे बिहार के बच्चा बेटा बेटी जो है शिक्षक के IIT कर रहा है, बिहार के शिक्षक के बेटा बेटी मतलब कि UPSC टॉप कर रहे हैं, 1 रैंक ला रहे हैं, 2 रैंक ला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को नौकरी कैसे दें? तो एक जो है नौकरी के नाम पर आप जो है भ्रमित करने का लोगों काम, आपको नौकरी वोकरी देने का इच्छा नहीं है तो क्यों आपने घोषणा किया? हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्यों घोषणा किया? ये नहीं चलेगा, इस तरह का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, और आप जो लाठी डंडा के दम पर जो सरकार चलाना चाहते हैं, ये लाठी डंडा के दम पर सरकार नहीं चलेगी। आपको शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में आपको जो है सबको बात को रखना पड़ेगा और उन लोगों को जो है उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी और उन लोगों की आवाज़ को नहीं दबानी पड़ेगी, और आप जो है हमारी मांग को मानिए, शिक्षक की मांग को मानिए। आपने संस्कृत बोर्ड में जो है 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, जो आपने पिछला बहाली किया उसमें 13,000 लोग फार्म भरे, 421 लोगों का उसमें जो है
नियुक्ति के पत्र बांटे और 369 लोग उसमें जो है हाई स्कूल के लोग जो है उसमें उन जिनको नौकरी मिला प्रिंसिपल के रूप में उसका आपने 8 महीने से वेतन नहीं दिया, तो आप एक तरह से नियुक्ति करके भी वेतन नहीं देते हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं? आप शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं पूरे बिहार में, ये बर्बादी नहीं चलेगी। गर्दनी बाग में अभी मैंने शिक्षक अभ्यर्थियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों बसें नौबतपुर में हाजीपुर में लगी हुई हैं, उनको पटना नहीं आने दिया। जी, पूरे बिहार में हमको सूचना मिली कि बहुत जगह से बसें रोकी जा रही है, बहुत जगह जो टेम्पो जो पटना में टेम्पो पर लोग मिल रहे हैं शिक्षक के नाम पर, उन पर लाठी बरसाया जा रहा है। पटना में रिक्शा पर चल रहे हैं जो विधानसभा की तरफ जा रहे हैं उनको शिक्षक के नाम पर लाठी बरसाया जा रहा है। ये कौन सी लाठी डंडा की सरकार चला रहे हैं? लोकतंत्र में लाठी डंडा से सरकार नहीं चलता है, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से आपको सरकार चलानी होगी। हमारे साथ अभी जीवन कुमार हैं और आपने साफ तौर पर सुना है कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जो भी शिक्षकों की मांग है उसको सरकार को माननी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी शिक्षक नेता हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया उसको जल्द से जल्द छोड़ने की बात जो है जीवन कुमार ने कही है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन जयकी के साथ मैं विपुल, पटना।